माननीय सदस्यगण सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबोला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहेब जादव की याद में बीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई।
ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून है जो विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूं। इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेनली डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का सरास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष सीएसटर अन्य ब्यूरो पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए।